हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर चैप्टर। चैप्टर नेम इज़ मल्टीप्लिकेशन फॉर क्लास थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यही अराइज हो जाता है यहाँ से कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इज़ बेसिकली ए रिपीटेटेड एडिशन। मतलब कि आप किसी नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं। सपोज आई हैव टू चॉकलेट्स, 1 + 1। तो आपने 1 और 1 को जब ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा? 2। सिमिलर वे से मान लो कि 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास 2 2 चॉकलेट्स हैं, तो आप काउंट करना चाहते हो तो क्या करेंगे? 2 + 2 + 2। यानी कि 3 स्टूडेंट थे और तीनों के पास ही 2 2 चॉकलेट थी, तो हमने इनको 3 बार ऐड कर दिया तो क्या बन गया आपका? 6। तो मल्टीप्लीकेशन क्या है बेसिकली? इट इज़ ए रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर एंड इट शो बाय अ साइन लाइक दिस। अब इसी नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6। तो क्या हो जाएगा? आपने यहाँ पर ऐड किया तब 6 आया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 आया। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि इसमें क्या था, हमने अलग अलग चिल्ड्रन का जिनके पास जितनी भी चॉकलेट थी उनको हमने ऐड करके लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया कि जितनी चॉकलेट्स उन बच्चों के पास थी, तीनों बच्चों के पास कितनी चॉकलेट थी? 2। और टोटल बच्चे कितने थे, टोटल चिल्ड्रन कितने थे? 3। तो हमने दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर क्या आएगा? सेम। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, एक ही नंबर की बार बार एडिशन जो होती है उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो आपका जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम प्रोडक्ट भी कह देते हैं। जैसे 2 × 3, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। आपके पास कुछ एग्जांपल्स आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पर, हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। लेट अस हैव सम फन विद मल्टीप्लिकेशन। आपके पास मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको फिगर्स भी शो हो रही हैं, तो आप इनके थ्रू बड़े ही इजीली और बहुत ही सिंपल वे से समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है बेसिकली। सो फर्स्ट यू हैव गिवन ईच फ्लावर हैज़ 5 पेटल्स। आपके पास देखो यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसने बोला है कि ईच फ्लावर्स हैज़ 5 पेटल, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर 5 पेटल्स हैं। तो देयर आर डैश पेटल्स इन 9 such flowers। अब देखो आपके पास फ्लावर्स कितने हैं, 9 दिए हुए हैं। उसने बोला है ईच, ईच का मतलब हो जाएगा सब में इक्वली हैं, सभी के अंदर एक ही हैं। ईच हर के अंदर कितने हैं? 5 पेटल्स हैं। अब टोटल फ्लावर्स कितने हैं? 9, और सब में पेटल्स कितनी हैं? 5। अगर मैं 9 × 5 कर दूँ तो 9 × 4 = 45। तो आपके पास नंबर ऑफ पेटल्स कितने आ जाएंगे? 45। इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजी वे से, और अगर आप इनको चेक करना चाहें तो आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. आप इन्हें ऐड करेंगे तब भी 45 ही आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, हम बार बार इनको ऐसे काउंट नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका ईच बंडल हैज़ 20 बुक्स। आपके पास देखो बंडल्स दिए हुए हैं, ईच बंडल यानी कितने बंडल हैं? 1, 2, 3। ईच बंडल हैव 20 बुक्स, देयर आर डैश बुक्स इन। अब 20 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से कर देंगे, तो देखो 20 + 20 + 20 कितने हो जाएंगे? 60। तो कितनी बुक्स आ जाएंगी आपके पास? 60। सिमिलर वे से आई हैव पास्टेड 40 स्टैम्प्स इन 1 scrap file। आई हैव पेस्टेड डैश स्टैम्प्स इन 4 such scrap file। इसमें क्या क्या है कि पेस्ट किए गए हैं स्टैम्प्स को इन 1 scrap file। आई हैव पेस्टेड डैश स्टैम्प इन 4 such scrap file। अब देखो 4 हैं फाइल्स और एक में कितने किए हैं? 40। 40 + 40 + 40 + 40 तो क्या हो जाएगा? 40 × 4 = 4, 4 = 16, 160। तो आपने कितने स्टैम्प्स का यूज़ किया, उसने कितने स्टैम्प को पेस्ट किया? 160 को। सो नेक्स्ट आ जाता है, 1 bus can carry 62 people, 3 such buses can carry - people। अब देखो आपके पास पीपल कितने बताए हुए हैं बस में? 62 हैं एक में, और 3 such buses में आपको पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे? 62 + 62 + 62 कर देंगे। अभी आपको कैलकुलेशन आती नहीं है तो हम सिंपली एडिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाद में आपने एडिशन तो पहले सीख ही लिए हैं, जब आप मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाएंगे तो आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2 6 हो गया यहाँ पर,
सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस सिक्स 18, तो 186 पीपल हो जाएंगे इन थ्री बसेस में. नेक्स्ट लास्ट वन, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज़ रुपीज़ 70, नाइन सच बैट्स विल कॉस्ट रुपीज़ डैश. आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ वन बैट कितने दिए हुए हैं 70, और नाइन बैट्स हैं ऐसे टोटल, तो कितनी हो जाएगी 70 मल्टीप्लाई बाई नाइन, नाइन सेवन सा टेबल तो आपको याद ही होंगी. आपको अगर नहीं आती हैं तो 1 से 15 तक कम से कम आपको टेबल्स याद होने चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए. नाइन सेवन सा क्या हो जाएगा 63. सो क्या कॉस्ट हो जाएगी इन बैट्स की 630 रुपीज़. क्लियर. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन. सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर सम्स. थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ.